Hello and welcome back to my channel and welcome to my birthday vlog. So it's my birthday today, not today, but it's my birthday in 2 minutes. So it's 25 of April, raat ke 12 bajne wala, 26 of April 2005 is my birthday. So I'm going to be 18. Yes, I'm officially legal now. So abhi I did like took a shower and did my extra skincare for my birthday and all. Sorry, my just stand. So ab kya karna hai, kya karna tha, main bhi सबसे एक्साइटेड कि मैं भूल रही हूँ क्या बोलना है. सो अभी हम लोगों ने केक में भैया ने ज़बरदस्ती ऑर्डर करवाया. ऑलरेडी मेरा जो मेन बर्थडे केक है वो कल आने वाला है एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल. आई एम ऑब्सेस्ड विद माय केक एंड ड्रेस. प्लीज डोंट स्किप टू माय केक एंड ड्रेस, ओके? प्लीज वॉच इट. आई एम गोना नो यू स्किप्ड और नॉट एंड आई एम गोना फाइंड यू. सो अभी एक और केक मैंने भैया ने लाइक ज़बरदस्ती करके मंगाया कि मंगा लो कि रात को 12 बजे काटना है. सो अभी आज जस्ट गोइंग टू डू दैट नाउ. जस्ट गोइंग टू केक कट एंड अभी 1 मिनट बाकी है. मैं जल्दी से सॉन्ग सेट करके गोइंग टू जल्दी से केक कटिंग करते. लेट्स गो, लेट्स गो. गिराना मत मेरा स्टैंड को. ये मेरा केक है. कैसे जलता है? गाना कितना अच्छा है रे. इतना ध्यान कौन केक काटा इधर से चोच. हमको क्या पता, माइंड बड़ी ज्यादा क्रीम है. हां ना, कौन आएगा? अच्छा गाना का नाम है हो गया फोटो बस इतने सारा. तेरा हैप्पी बर्थडे है बाय मिमी टेडी. तेरा केक खाना सब अभी केक खाएंगे और देखते क्या क्या होता है. थोड़ी मेरे साथ सबसे बड़े बने पूरा वही दी है. पूरा वही दी है, ठीक है. मैडम जी को थैंक यू. हम मेरे भैया टीचर है ना, तो उनकी साथ में कॉलेज टीचर उन्होंने गिफ्ट दिया. बारह बजे केक काटे. केक काटने के बाद केक खाए, फिर बैठे रहे. फिर तब से बैठ के हम भी बज रहे हैं 1:39. अभी तक हम बैठ के सबका विश का थैंक यू कर रहे हैं और 2-3 तो फोटो डाले या फिर मम्मी और भैया से बात कर रहे हैं. 1:39 अभी जाके हम लोग सोएंगे. सो सी यू इन द मॉर्निंग. मेरे लिए पूरा कुछ घंटा होगा, मेरे को नहीं पता हम कितना बजे उठेंगे, लेकिन आपके लिए मिली सिग्नल सोने वाला है. तो
अभी बज रहे हैं सुबह के 10। मैंने को उठना था 9 बजे के आसपास, पर तो मैं दम नहीं उठने को, मैं बहुत कह रही हूँ सो रही थी, थकी गई थी ना इसीलिए। तो अभी उठे 10 बजे, मैंने वो कब मेरा कोई गिफ्ट या पार्सल आया है पता नहीं, मेरे अकाउंट और मेरे अकाउंट से नहीं, मम्मी का अकाउंट से पता नहीं क्या मेरा कोई गिफ्ट आया या पार्सल आया मेरे को नहीं पता। सो लेट्स देखते क्या आया है। मम्मी तो बोल रही गिफ्ट आया, तो देखते क्या गिफ्ट आया। सो मम्मी फोन बात कर रही है तो कोई आवाज़ है मेरा अभी इसके ऊपर का रैपिंग हम नहीं खोलने वाले, फिर कल अनबॉक्सिंग करेंगे तब खोलेंगे। उठा अभी भी ये सुंदर है रे। इसका मैं अनपैकिंग नहीं, मैंने पूरा जैसे बैठे दिखाया था अनपैकिंग और रिव्यू एंड सिस्टम वगैरह, मैं इसका पूरा वीडियो बना कर डालेंगे तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं ऊपर लिखा हुआ है अ गिफ्ट फ्रॉम श्वेता रॉय, हैप्पी 18th बर्थडे, हैप्पी 18th बर्थडे फ्रॉम श्वेता रॉय। नहीं तुम्हारी तरफ से हमको है, मतलब बिल से लिख के दी है। सो इस ब्रेकफास्ट टाइम ये एग है, 6 eggs का मैंने ये सॉरी मैं कितने काम कर रही है, तो इसका बनाने लगी। आपने लाइक मेरा डेली लाइक और डे इन माई लाइफ वाला वीडियो जो आपने देखा उसमें आपने देखा होगा कि मैंने ये वाला बनाया है। यू वांट टू नो द रेसिपी डू लेट मी नो। किचन पूरा भरा हुआ है।
आर डूइंग हियर। तो मैंने कुछ ऑनलाइन सामान मंगाए हैं, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कौन सा मैंने मंगाया है। एंड मेरे पास ऑलरेडी कुछ कुछ सामान है जो बाजार से खरीदा था बहुत पहले, मेरे भैया ने खरीद लिया था। सो my cake just came and it's beautiful. I will just show you, not now but directly in the video. Don't skip, please. Itna bada hai ki wo fit bhi nahi aa raha frame mein. पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। और यहाँ मैं कर रहा ये तो छोड़ दो। सो मेरा जो लाइक स्टोरेज था ऑलमोस्ट फुल होने वाला था। सो व्हाट्स आई एम डूइंग, जो एक व्लॉग मेरा हाफ बन चुका है, मैं एक जॉब में बना रही हूँ बर्थडे व्लॉग, वो दोनों को मैं अभी जितना बनना उतना मैं अभी लैपटॉप में ट्रांसफर कर रही हूँ। व्हाट आई एम डूइंग द वायर इज ऑन द फोन, लाइक फ़ोन से ट्रांसफ़र कर रही हूँ ऑन द लैपटॉप। एंड उसके बाद आई गो एंड टेक अ शावर। सो जब शावर लेंगे लाइक आई गो टेक अ शावर एंड शावर लेने के बाद आई बी बैक। सो शावर लेने के बाद आई शो यू। आपके लिए तो एक मिली सेकेंड होने वाला, मेरे थोड़ा लंबा होगा। सो सी यू आफ्टर शावर। सो इफ डोंट आस्क मी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यू ऑलरेडी नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। But also do check out the video I'm going to post after this. That's a glow up challenge. Yes, I'm doing a glow up challenge, 4 day or 3 day glow up challenge. It's called in my so वो challenge कर रहे हैं अभी। We are going to do my hair right now. उसके बाद we'll remove this and do you know what my makeup. Then and then last I'm going to wear my dress. Easier so I don't mess up my dress with my makeup. Let's open this up and see the result. Let's hope it looks beautiful. जो अगर आप देखोगे इफ यू कैन सी द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज द ग्लो अप वीडियो, ट्रांसफॉर्मेशन स्लैश ग्लो अप वीडियो, उसमें आई braided my hair last night to have the heatless curls, tight curls. Yeah, it is giving my curls. So not perfect because I got lazy and I was really tired while braiding. So I just braided it. जैसे तैसे मैंने braid कर दिया। Open this side. Looks good, right? Does looks good. It looks beautiful. I'm loving it. चलो यार घर का मैंने थोड़ा कम आया। मम्मी अच्छा हुआ ये है ना, थोड़ा बहुत अभी भी कहीं कहीं पर गिल्ला है, अभी भी कहीं कहीं पर स्वेट बिकॉज इट वॉजन फुली वेट व्हेन आई ब्रेडेड माय हेयर। Sorry, I'm just giving you like this because my hair is just down below. Okay, so what are we going to do with my hair? Let's see. I had an idea, but I wanted to buy a bow for that, but I don't have a bow. Right now, I'm thinking कि मुझे अपना बाल मेकअप करने के बाद खोलना चाहिए, तब करना चाहिए था।
और वी हैव ऑलरेडी डन डन दैट सो कोई ना लेट्स डू लेट्स सी व्हाट हैपेंस लेट्स वेट फॉर दिस आई मस्ट गेट टू द मेकअप मैंने पूरा फिल नहीं किया हल्का हल्का लाइन बाहर रहने दिया है गिव्स अ लाइक अच्छे से डेफिनेशन दे रहा है आईज को सो ब्यूटीफुल ओह आई फॉरगॉट टू स्पॉट कंसील व्हाई इज इट डूइंग दैट आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट लेट मी जस्ट कैन यू सी दैट You shouldn't do that. अभी तो सब कुछ I hope इन में सब अच्छा लगे because I have to be fast. Okay, next spot conceal करना will be using a darker shade to spot conceal some parts. I have so many acnes. मुझे ग्रीन करेक्टर यूज़ करना चाहिए था यार जल्दबाजी में ना हमेशा गलती ही होता है मेरे साथ खासकर होता है Now I'll just go and apply my lens. उसके बाद मैं आती हूँ Okay, now I should apply my lens. पहले हाथ वॉश कर लूँ उसके बाद अप्लाई लेंस कर करना भूल गए थे तो दूसरा लेयर आफ्टर फॉटिंग थिंक दिस लुक्स ओके पहले लगाना था ना थोड़ा
rest of the lips and then I'm gonna do the rest of the things. Only 2-3 things are baki. Let's do first. I'm gonna line my lips with brown. Not gonna overline at all. My lips look so dry, y'all. Let's hope. Nude lips. Mummy ne bola nude lips. लेकिन एक ही हाथ पे, दूसरे हाथ में नहीं हो पाया. सो लेट्स गो. So we are at Flames and Grills on the top floor now. I'll record karna fir se bol raha hu. And this is our setting. Yahan pe bahut sare log already hai. We are ordering like a buffet wala food. So pehle food aata hai, fir I'll show you what we ordered and what we bought. This is our food. हम लोग के पास सब कुछ है. चिल्ली बेबी कॉर्न, तंदूरी तो इधर भी है. ये मछली है, ये तो हरा भरा हुआ. और प्रॉन है इधर, है प्रॉन और नहीं है, ख़त्म हो गया है. ये तो इस साइड है प्रॉन. और ये क्या है? आलू कटहल है. कटहल भी है, ये पनीर है. पनीर तो दूर से पता चल रहा है. मम अभी ध्यान दे, इसके अंदर है कोयला वाला. सो हम लोग क्या है बाकी देखने के लिए यहाँ पर. अभी क्या क्या मिठाई
just look. So let's go and eat. मैं प्लेट भर लेती हूँ पहले. This is our God. चिल्ली, चिकन चिल्ली, मशरूम, चाउमीन, प्याज है ये, पास्ता एंड ढोकला. ऑल नहीं किया था लेकिन हाथ दर्द हो गया था. मैं सेकंड राउंड पे. ये तो डेजर्ट, पहले डेजर्ट लेके आया फिर ये लेके आया. चलो सब कुछ कुछ लेके आए. हम तो सेकंड राउंड के लिए फिर जाएंगे. सेकंड राउंड मटन बिरयानी, चिकन चाप का ग्रेवी, तड़का दाल एंड चिप्स. सेकंड कितना कम कॉस्ट पूरा भर के लाए. अब थर्ड डेजर्ट होगा. ये मेरे भैया का फोर्थ फ्लोर फ्लो फोर्थ वाला प्लेट है. ऐसा कोई भी डिश तुम नहीं छोड़ा है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा. और हम लोग आधे आधा चीज़ छोड़ के आ गए. हम सब्जी रोटी नहीं ली है. बिरयानी भी थोड़ा सा, वो भी चिप्स से मेरा पेट भरी है. चिप्स लगा पापा और लेने गए. पापा का भी तीसरा होगा ना, मेरा भी तीसरा होगा. मेरा थर्ड राउंड सजा कर पूरा. ये इसका पांचवा या फिर छह भी बोल सकती है, छठा. अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम लेने. दिस इज लास्ट आइसक्रीम. निकल ही नहीं रहा था, पूरा पत्थर बना हुआ था. फिर एक आंटी निकाल के दी है, उनसे भी नहीं निकल रहा था. इसका देखो पूरा हलवा, चारों मिक्स हलवा. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. हम लोग वहाँ से खाना खा के आए. इतना खाने के मेरा ऑलरेडी एक्चुअली तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगा, पर नाउ आई फील फाइन. सो वी आर रियली टायर्ड. आके थोड़ा सा बैठे एंड मेरे अभी भी कुछ कुछ वीडियोस था तो मुझे वो वीडियो स्ट्रीम करके ख़त्म करना पड़ा. एंड नाउ आई एम डूइंग द आउटर ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज़ द लास्ट वन. आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ वर्क. मेरा इस फोन का भी स्टोरेज ऑलमोस्ट फिनिश है तो मुझे कर डालना होगा. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताना. एंड या हैप्पी बर्थडे टू मी अगेन. एंड वी आर रियली टायर्ड. मुझसे और कुछ बोलने हो भी नहीं रहा. आई एम मिसिंग समथिंग. आई एम रियली सॉरी. सो या दैट्स इट. एंड ऑल्सो डू फॉलो माई इंस्टाग्राम प्लीज़. मैंने वहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स एंड रील्स पोस्ट किए एंड ऑल्सो मेरे शॉर्ट्स. बट स्टिल on my Instagram. So happy adulthood, finally legally adulthood. But yeah, so that's it for this video. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.